हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीवराज सिंह और आप देख रहे हो जीएस टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये एक शोल्डर रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। इसका जो ये गर्म नहीं होता है फ्रेंड्स, तो आपको इसका बता दूँ कि मेरे को तो पता है इसका एलिमेंट ख़राब हो चुका है, लेकिन आपको एक बार ये भी टेस्ट कर लेना है कि इसको एलिमेंट को करंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये भी चेक करना आपको ज़रूरी है। शोल्डर कोई भी चीज़ रिपेयर करो उसको पहले आपको चेक करना है इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये मेरा 35 वाट का शोल्डर है जो कि मैं इसको मार्केट से लेके आया था, तो ये लाने के बाद एक दो दिन बाद ख़राब हो गया। तो मैं इसको अभी बजर पे सेट करके इसकी आपको वायरिंग चेक कर लेनी है कि ये इसको वायरिंग के ज़रिए करंट नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो पहले आपको इसका ये ढक्कन खोलना है पीछे से, जो कि वहाँ पर हमारे एलिमेंट के और ये वायर जुड़े होते हैं, यहाँ पे भी आपको चेक कर लेना है। अब तो ये पक्का इसका काम है। चलो अब एक एक वायर को चेक कर लेते हैं। इसका रेड वायर भी सही है और इसका ब्लैक वायर को चेक करते हैं। अभी इसका ये ब्लैक वायर भी ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका ये एलिमेंट है ना, इसको बाहर निकालना है इसका स्क्रू खोल के। चलो मैं इसका एलिमेंट बाहर निकाल लेता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इसका ये नट खोल लिया। अब इसको आराम से खोलना है फ्रेंड्स। इसके अंदर कुछ ये लगी होती है इसको करंट रोकने के लिए, ये कहीं बॉडी में टच ना हो, इसीलिए इसका इसको आप थोड़ा ध्यान से खोलिएगा। वो जैसे इसमें लगाया गया है वैसे आपको वापस इसको लगा देना है। इतना तो फ्रेंड्स आप कर ही लोगे मेरे हिसाब से। तो चलो मैं इसका एलिमेंट आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड, इसका एलिमेंट है। इसको मैं अभी मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे सेट करके इसका एलिमेंट में दो भाग होते हैं फ्रेंड्स, एक इधर का साइड का और उधर साइड, इसके बीच के अंदर बिट लगता है हमारा। तो हमें पहले इसका इधर का साइड का चेक करना पड़ेगा। कोई सा भी आप चेक कर सकते हो, एक एक पॉइंट इसके चेक कर लेना, आपको कन्फर्म हो जाएगा कि इस वाले पत्ते में से वायर टूटे हैं या उस वाले में से टूटे हैं। इसके अंदर नाइक्रोम वायर होता है जो कि वो कहीं पे ज़्यादा हीट होने की वजह से, या जब हम काम कर रहे हैं तो शोल्डर गिर जाता है तो गर्म रहता है इसका नाइक्रोम वायर, तो वो टूट जाता है। तो इसको बीच के अंदर दोनों पॉइंट के वायर है, तो आप इस पर चेक कर लेना आ रहा नहीं फ्रेंड्स। इसका एक ये भी ख़राब है एक पॉइंट, और अब उधर साइड का इसका चेक करते हैं। इसका ये हीट होता है तब हमसे गिर जाता है, तो गर्म वायर वो नाइक्रोम वायर गर्म रहता है, तो इसकी वजह से वो झटका लगने से इसका टूट जाता है। और कई बार हम इसका सोल्डरिंग जानने के लिए इस पर जोर भी डालते हैं तो तभी टूट जाता है, तो इसकी कारण है फ्रेंड्स। इसको आप वैसे तो ये आपको मार्केट के अंदर 10 रुपये का मिल जाएगा, आप लगा सकते हो। अगर आपके मार्केट में ये नहीं मिल रहा है आपका, जैसे आप कोई इमरजेंसी काम कर रहे हो तो काम करते करते बीच में ये ख़राब हो गया, तो आप इसको अपने काम निकालने के लिए इसको रिपेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं तो इसे ऐसे ही करता हूँ कि मेरा ये रिपेयर होने के बाद भी महीना भर चल जाता है ये एलिमेंट, इसका महीना भर से ज़्यादा ही चलता है। वैसे मैं महीना भर बता रहा हूँ आपको, आपके हिसाब से जितना अंदर से टाइम ज़्यादा, जैसे आपने आज डाला 2 महीने बाद ख़राब हुआ तो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो मेरा मानना तो यही है कि आप इसमें नया डाल देना अगर मिल रहा है तो मार्केट में, वैसे आपके नहीं मिलता है तो आप इसको एक दो बार रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें नाइक्रोम वायर होता है कि वो टूट जाता है गर्म होने पर, आपको इस प्रकार से इस पर पतला, बहुत पतला इसमें नाइक्रोम वायर होता है फ्रेंड्स। आप इस नाइक्रोम वायर से बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैं आपको इसे अगले कई एक वीडियो बना दूंगा, इस नाइक्रोम वायर से आप क्या क्या बना सकते हो और कहां कहां से आपको ये मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये दो पत्ते बने होते हैं नाइक्रोम वायर के, तो आपको पहले पत्ते को यहां पे चेक करना है इसका, ये इसको ऊपर तक चेक करना है इसके कहां से टूटा हुआ है। ये बहुत पतला होता है फ्रेंड्स, वैसे दिखता नहीं है, वैसे आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा, लेकिन मैं आपको मल्टीमीटर से इसको चेक करके बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसका मैं इस प्रकार से आ रहा हूँ, इसका यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, यानी ये शुरू में ही टूट चुका है कहीं इस पर, तो हम इसको निकाल लेंगे यहीं कहीं पर फ्रेंड्स। हाँ, मेरे को दिख चुका है वो पॉइंट कि कहाँ से ये शुरू में से टूट चुका है। आप उसको जो बीच में टुकड़ा है ना, उस टुकड़े को निकाल दो, जो इसका जहाँ पे रीडिंग आ रहा है उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे प्लेट दो, ये आपका काम बन जाएगा। आपको इतना तो पता ही होगा फ्रेंड्स। इसको चलो मैं इसका ये निकाल लेता हूँ।
फ्रेंड्स मैंने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया था, वो मैंने आपको चेक करके बताया था ना, वहाँ पे वायर टूट चुका था, तो मैंने उस वायर को वहाँ से इसका नाका उठाया और वहाँ पे जोड़ दिया है। आप इतना तो समझ पा रहे हो ना। अब इसका दूसरा पॉइंट हमें रिपेयर करने की बारी आ चुकी है, हम इसका दूसरा पॉइंट रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स जिस वाला मैंने नाका इसका रिपेयर किया है वो देख सकते हो, उसका रीडिंग बराबर आ रहा है। तो हमारा एक साइड से एलिमेंट रिपेयर हो चुका है और एक साइड से अभी करेंगे इसको रिपेयर। चलो मैं इसको खोल लेता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये मैं जब इसका दूसरा वाला रिपेयर कर रहा था तो उसको उसमें भी फ्रेंड्स ये नाइक्रो वायर बीच में से टूट चुका था, तो मैंने उसको बीच में से धागे काटा कम करके दोनों को आपस में प्लेटा दे के इसको छोड़ दिया है। बस ये हमारा इसमें पावर पास हो रहा है एलिमेंट के वायरों में से, जो नाइक्रो वायर उसमें से, तो ये हमारा रिपेयर हो चुका है। फ्रेंड हमारा एलिमेंट ये अच्छे से रिपेयर हो चुका है, तो हमें इसको अभी बाहर से भी चेक कर लेना है कि वर्क कर रहा है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे इस वर्किंग है, ये अच्छे से काम कर रहा है, देख सकते हो इसमें रीडिंग आ रहा है। तो हमारा एलिमेंट पूरा एकदम अच्छे से रिपेयर हो भी चुका है, तो फ्रेंड हम इसको पहले कस लेते हैं, फिर उसके बाद आपको एक बार और दिखाते हैं। चलो फ्रेंड्स, इसको जैसे आपने खोला था इस प्रकार से आपको जैसे ये पॉइंट इसमें इस प्रकार से लगे हुए थे। तो फ्रेंड हमने ये इसका इसको कस दिया है। चलो हम इसकी अभी टेस्टिंग करेंगे कि इसको, चलो हम इसका टेस्टिंग करते हैं। फ्रेंड हम टेस्टिंग की टाइम आ चुके हैं, हमने प्लग में लगा दिया है, देख सकते हो ये हीट होना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड हम इसको सोल्डरिंग करके आपको दिखाते हैं। वीडियो में देख सकते हो अच्छे से गर्म हो चुका है और हमारा शोल्डर वायर भी अच्छे से सोल्डरिंग कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से ये रिपेयर होगा। आप इस सोल्डर को रिपेयर करना बहुत ही आसान है फ्रेंड, अगर आपके मार्केट में एलिमेंट नहीं मिलता है तो आप इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हो, रिपेयर हो जाएगा 100%। ये रियल वीडियो फ्रेंड्स, कोई फेक नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।